क्यों शुरू नहीं हो पाई चीता सफारी और कैसे हुई चीतों की लगातार मौत, सुनिए क्या बोले BCCF एवं वन बल प्रमुख। खबर कोनो सेंचुरी से आ रही है, जहां चीता मित्र सम्मेलन में शामिल होने आए वन बल प्रमुख एवं PCCF असीम श्रीवास्तव ने कुनो रिजॉर्ट पर चीता प्रोजेक्ट के विषय पर विस्तृत चर्चा करते हुए तमाम सवालों के जवाब दिए। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर आज क्या है सर, आयोजन हुआ था सर? आज हम लोगों ने जो चीता संरक्षण से जुड़े हुए चीता मित्रों का जो समूह है, जो कि निरंतर चीता संरक्षण में हम सबकी मदद करता है, उन्हें एक पूर्व जो घोषणा की गई थी केंद्रीय अधिकारियों के द्वारा और केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा, तो उस घोषणा के अनुपालन के रूप में उन्हें आज साइकिल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया और उसमें उनके सहयोग को माननीय मंत्रीगणों ने प्रशंसित किया और यह इस प्रोजेक्ट की एक सफलता की निश्चित ही बहुत अच्छी कहानी है, जिसमें हम एक प्रजाति का संरक्षण स्थानीय समुदायों के सहयोग से कर रहे हैं, क्योंकि बिना स्थानीय समुदायों के सहयोग के हम बहुत अच्छा संरक्षण का कार्यक्रम संभवतः उतने अच्छे से नहीं कर पाते जितना अभी हम कर पा रहे हैं। सर, चीतों का कुनवा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्षेत्र में कुछ भी खुशियाँ भी हैं, लेकिन चीतों की मौत किन कारणों से हो रही है? अगर आप चीता एक्शन प्लान जो हमने तैयार किया था यहाँ चीता लाने के पूर्व, भारतीय वन्य जीव संस्थान के तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन में, तो उसमें ये स्पष्ट था कि जब हम किसी प्रजाति को बहुत वर्षों के बाद किसी स्थान पर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखना पड़ेगा, और यह प्रोजेक्ट जो है एक अल्पकालीन परियोजना न होके एक दीर्घकालीन परियोजना है, जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा मॉर्टेलिटी मतलब उनके मृत होने का प्रावधान रख के चलते हैं, और यद्यपि हमारा जो प्रथम वर्ष का प्रदर्शन रहा है चीतों का, हमारे चीतों का, तो वो डेफिनेटली हम उस स्तर से काफ़ी बेहतर स्थिति में कि हमने बहुत कम चीते खोए हैं जितना कि हमने एक्शन प्लान में अनुमान लगाया था। कल तक सर चीते सफारी का भी उद्घाटन होना बताया जा रहा था सर, अचानक चीते सफारी प्रोग्राम कैंसिल हुआ सर, क्या वजह थी? चीता सफारी के लिए हमें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त हो गई है, तो एक तकनीकी स्वीकृति उसकी आवश्यक पड़ती है, और दूसरा अभी हाल में ही 18 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर वन क्षेत्र में हम सफारी का निर्माण करते हैं तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसी के अनुपालन के लिए हम अब कार्रवाई करेंगे, और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से विधिवत अनुमति प्राप्त हो जाएगी तो फिर इसका कार्य प्रारंभ करेंगे।